नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर पार्ट 7 एंड सब टॉपिक इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बच्चों हमें फ्रीजिंग पॉइंट जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीजेज, और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस आप हो जाइए और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी देयर इज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मान लिए 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो एट 0 डिग्री सेल्सियस डेफिनेटली वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म बोथ, एंड देयर इज इक्विलिब्रियम इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सो आपको समझना है कि दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, सेम होगा, वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा। तो इसमें भी थोड़ा वही है कॉन्सेप्ट इज सेम कि अगर मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर जो भी होगा सॉल्वेंट का, अगर इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट। तो बताइए तो कि सॉल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो हम क्या उसको बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे, कम होना, डिप्रेशन मीन्स कम होना। सो देयर इज डिप्रेशन इज ऑब्जर्व व्हेन ए सॉल्वेंट कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ये ग्राफ, दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज योर टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है या ये फ्रोजन सॉल्वेंट का हम कर्व लेते हैं, फ्रोजन सॉल्वेंट का कर्व क्या होगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो उसका भी वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसा आएगा। दिस इज योर फ्रोजन सॉल्वेंट। अब हमें यह देखना है कि मान लीजिए हम वाटर लेते हैं, ये वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट और ये लिक्विड फेज में है भाई, क्या ये लिक्विड फेज में है। अब इसका टेम्परेचर जैसे ही कम करोगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा,
और ये इस पॉइंट पे आ गया, यानी फ्रोजन सॉल्वेंट हियर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये लिक्विड का और वेपर फेज दोनों का वेपर प्रेशर दोनों का सेम है, इस पॉइंट पे क्या होगा भाई, ये फ्रीज हो जाएगा। यानी इट्स ए फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस इज T1। अगर मान लो हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, दिस इज योर सॉल्यूशन। अब इसका टेम्परेचर आप कम कीजिए, कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होएगा, कम होएगा एंड इट फ्रीजेज हियर। यानी इसका वेपर प्रेशर और इस फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ सेम होगा एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। और ये कौन से टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा भाई, T2 पे करेगा। तो बताइए, तो T1 इज मोर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, सो यू कैन से देयर इज डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई, अब इसमें ये जो डिप्रेशन हुआ, दिस इज योर डेल्टा T, तो हम डेल्टा T और F फॉर फ्रीजिंग, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2। ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एक चीज़ सोच के देखो, अगर ये -1 डिग्री है और ये -2 डिग्री है, तो -1 से हमको -2 करना है तो डेफिनेटली इट विल कम 1। ठीक है, तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। अब सिमिलरली अकॉर्डिंग एज पर यू नो कि जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, वैसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और डेल्टा TF इज इक्वल टू KFm, वेयर KF क्या होगा जी, KF इज कांस्टेंट, इसका भी नाम है। एक नाम तो होगा भाई इसका, नाम इसी के ऊपर है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसका एक नाम उसमें भी दिया था, इसमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये तीन नाम इसके होते हैं KF के। अब इसको थोड़ा एलाबोरेट करो, थोड़ा बढ़ाओ इसको। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे भाई, ये डेल्टा TF इज इक्वल टू KF एंड M इज मोलालिटी, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ये ग्राम में होगा भाई। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए और इससे आप सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, और इसमें सबका यूजुअल मीनिंग है डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड WB क्या है भाई, डेल्टा TF दिस इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, KF दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
and WA, this is weight of solvent. ठीक है दोस्तों, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं. इस प्रॉब्लम में देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी, C6H8O6, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसेटिक एसिड. यानी 75 ग्राम एसेटिक एसिड ये आपका सॉल्वेंट है. टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस. यानी 1.5 डिग्री इज डेल्टा के एफ इज गिवन. डेल्टा के एफ इज इक्वल टू 1.5. ठीक है, अब डेल्टा के एफ इज इक्वल टू सॉरी ये के एफ, के एफ इक्वल टू 3.9 इट इज गिवन. ये डेल्टा टी एफ इज गिवन, दिस इज 1.5. अब आप फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. ये ग्राम में होगा. ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू रखिए, डेल्टा टी एफ दिस इज डिप्रेशन इज 1.5, के एफ 3.9. ये एसिटिक एसिड के लिए है, और वाटर के लिए 1.86 याद रखना, 1.86 होता है वाटर के लिए, ये याद रखना. 3.9 एंड डब्ल्यू बी वेट आपको निकालना है. तो डब्ल्यू बी मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 176 एंड दिस इज 1000 एंड डब्ल्यू ए इज 75. सो डब्ल्यू बी कैन बी कैलकुलेटेड एंड इट इज 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000. और इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 5.08 ग्राम. अगर इतना ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड एसिटिक एसिड में डालोगे तो कितना डिप्रेशन होगा जी, 1.5 ग्राम होगा, 1.5 का डिप्रेशन आएगा, डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आएगा. ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, दिस इज ग्राम. क्या क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है. यानी डेल्टा टी एफ यू हैव टू फाइंड, डेल्टा टी एफ पता करना है, डेल्टा टी एफ निकालना है. के एफ पानी के लिए आता है 1.86 केल्विन के जी पर मोल, याद रखना है. और डब्ल्यू बी दिस इज 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, तो 45 ग्राम. और इसका मोलर मास कैलकुलेट कीजिएगा तो इट विल कम 62 ग्राम. 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, दिस इज 62 ग्राम पर मोल, ये आएगा एम बी. एंड डब्ल्यू ए इज ऑल्सो गिवेन, दिस इज 600 ग्राम. ठीक है,
अब इसमें देखो, अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा भाई, सोच कर बताना कि डेल्टा टी एफ निकालना है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 45 अपॉन 62 इंटू 1000 अपॉन 600। और डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल टू 2.2 केल्विन, चूँकि ये हमारा केल्विन में इसका है तो ये केल्विन ही लिखना है। तो यही आएगा आंसर, हो गया कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये हो गया। अगर पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 273.15 केल्विन। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें से माइनस कितना करेंगे, 2.2 माइनस करेंगे, तो 2.2 माइनस करोगे तो आएगा 270 अपॉन 0.95 केल्विन। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन पूछेगा तभी बताना है, नहीं तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है तो बस केवल इतना ही निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।